अगर YouTube ने तुम्हें वीडियो रिकमेंड करी है तो तुम प्रोबेबली जेंजी हो। जेंजी वो लोग होते हैं जो कि 1996 के बाद पैदा हुए थे और उन्हें 1996 हिंदी में बोलना नहीं आता। ये जनरेशन साउंड तो बहुत कूल करती है, लेकिन ये जनरेशन टोटली ख़त्म हो चुकी है सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ आसान बनाई है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार बनवाया है। जो लोग लोनलीनेस जानते भी नहीं थे, आज वो उस लोनलीनेस में है। लोगों से सराउंडेड तो है, आसपास हमारे लोग तो हैं, लेकिन इनसाइड से हम अकेले पड़ चुके हैं। एंड इस सब का क्रेडिट तुम्हारे सोशल मीडिया को जाता है। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि सोशल मीडिया ने कैसी एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट कर दिया है और तुम्हें बेटर बनने से रोक रहा है। ना एक पल को देखो तो सोशल मीडिया इतने भी कुछ बुरा साउंड नहीं करता यार। मजा ही तो आता है ना लोगों की स्टोरीज देखने में, लोगों की नई पोस्ट देखने में, उनकी लाइफ में चल गया रहा है। रील्स देखने में दो चार मीम देख के हंस जाते हैं भाई, दिन थोड़ा बढ़िया हो जाता है। बेकार चल रहा होता है दिन बढ़िया हो जाता है। पर तुम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छोड़ रहे हो। जो भी तुम सोशल मीडिया पर देखते हो ना, वो लोगों की जिंदगी के हाइलाइट्स होते हैं, उनकी एक्चुअल जिंदगी होती ही नहीं है। जो भी तुम देखते हो, स्नैप स्ट्रीक बनाए रखते हैं लोग, इतना सब कुछ भेजते हैं तुम्हें कि देखो आज मैंने ये खाया, वो खाया, ये खाया, ये करा, मैंने ये कर लिया। दैट इज नॉट द रियलिटी माई फ्रेंड। तुम लोगों को देखते हो और कहीं ना कहीं तुम जेलस हो जाते हो। तुम कहते होगे कि नहीं भाई, मेरे को जेलसी नहीं होती, मैं तो खुश हूँ मेरा दोस्त जा रहा है, ऐश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम ये फील करते हो कि यार मैं क्यों नहीं हूँ उसकी जगह, मैं क्यों नहीं मार पा रहा मज़े, मेरी लाइफ तो भाई इतनी बढ़िया है ही नहीं। तुमने देखा होगा जब भी लोग बहुत ही खतरनाक पेन में होते हैं, उन्हें हम पेन किलर देते हैं। पेन किलर करता क्या है? पेन किलर हमें नंब कर देता है पेन के अगेंस्ट। पेन किलर कोई पेन हटाता नहीं है हमेशा के लिए, वो चोट ठीक नहीं करता, वो बस हमें ऐसा महसूस कराता है कि हमें दुख दर्द नहीं हो रहा है। सेम चीज़, सेम तुम्हारा एनेस्थीसिया सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया इज अ ड्रग। नाउ देखो, जब भी तुम सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो मैं एक शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है। वो प्लेजर बढ़िया तो लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इस सब के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। लोगों ने डोपामीन 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 कर करके तुम्हारे मन में भर दिया होगा ये चीज़। लेकिन मैं तुम्हें एक असली रियलिटी बताता हूँ। सोशल मीडिया पे तुम बहुत सारी चीज़ें देखते होगे, मॉडल्स वगैरह जो भी आती हैं, फोटोशॉप्ड होती हैं भाई सारी। तुम एक रेडिट पेज है, ठीक है, इस पे जाना एंड इस पे देखना कितनी रियलिटी, मतलब फेक रियलिटी होती है भाई, से फॉल्स रियलिटी में जी रहे हो तुम। तुम जेंजी एक असली रियलिटी को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें अनकूल घोषित कर देते हैं अगर तुम सोशल मीडिया यूज ना करो। तुम्हें बोरिंग पर्सन बता देते हैं। तुम बोरिंग नहीं हो मेरे दोस्त अगर तुम सोशल मीडिया नहीं करते यूज। तुम सबसे कूलेस्ट पर्सन हो। आज की डेट में जो लोग सोशल मीडिया नहीं करते ना भाई, मैं टॉप ऑफ द हायरार्की पे मानता हूँ। मैं खुद सोशल मीडिया यूज करता था, पिछले एक महीने तक करता था भाई। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा। मैं इंस्टाग्राम चलाता था भर भर के, स्नैपचैट पे मैं गया नहीं क्योंकि मेरे को पता था वो भाई प्लेटफॉर्म ही बर्बाद है, उन चीज़ों से दूर रहना है मेरे को। अगर तुम भाई स्नैपचैट यूज़ करते हो ना, नॉट गोना लाइ, तुम छक्के हो भाई, ठीक है। अब इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इज नेसेसरी, हर कोई यूज़ करता है भाई। जहाँ पर सब लोग होते हैं वहाँ पे तुम्हारा होना जरूरी है, नहीं तो तुम्हें फिर ऐसा बंदा बना देंगे, तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिक बना देंगे, तुम्हें बता देंगे कि भाई तुम इस जगह को डिजर्व करते ही नहीं हो, तुम्हें पागल घोषित कर देंगे लोग, मेंटल असाइलम में भेज देंगे, आगरा के पागल खाने में। तो तुम्हें इंस्टाग्राम यूज़ करना पड़ेगा। एंड सेम चीज़ मैंने अपने आप को ये बोली थी और मैंने इंस्टाग्राम यूज़ करा। मैंने सोचा था कि मैं बस इंस्टाग्राम लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए चलाऊंगा, लेकिन इंटरेक्शन वो कब रील स्क्रॉल करने में बदल गया। दिन की चार चार तीन तीन घंटे रील स्क्रॉल करना, इट ऑल गॉट इन माई हेड। और उसके कारण हुआ क्या? इम्पेशेंस, शॉर्ट अटेंशन स्पैन। इंस्टाग्राम बंद करा तो यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब बंद करा तो ट्विटर खोल लिया। सेम चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है मेरे दोस्त, नोटिस कर रहे हो? जब भी तुम्हारी किसी फेलियर में सिमिलैरिटी हो ना किसी बंदे के साथ, तो वो चीज़ अवॉइड कर दो। एंड आई सो कि मैं गलती कहाँ कर रहा था, मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था। लोगों से इंटरेक्शन, लोगों से बातचीत बहाना है भाई मेरे, व्हाट्सएप पे भी हो जाएगी, वो नंबर ले लो लोगों के, ठीक है। इंस्टाग्राम पता करता क्या है? इंस्टाग्राम ना तुम्हारे चांसेस ऑफ एम्बैरेसमेंट को घटा देता है। अब ये क्या चीज़ है, तुम इंस्टाग्राम पे किसी भी रैंडम लड़की को फॉलो कर लेते हो, ठीक है, उससे चैटिंग भी कर लोगे, रील्स वील्स भेज के थ्रू जैसे मर्जी चैटिंग कर लोगे, इट्स गोना बी इजी। तुम स्टोरी पे रिप्लाई कर दोगे उसकी, हा हा हु, एंड वहां से तुम्हारे इंटरेक्शन चालू। बट व्हाट अबाउट रियल लाइफ? रियल लाइफ में तो तुम्हारी फटती है भाई। दिस इज वेयर द रियल थिंग कम्स। जब भी तुम्हें एम्बैरेसमेंट्स फील होते हैं ना, तब तुम्हारे अंदर कुछ एक फेलियर की भावना आती है। और जब भी फेलियर की भावना आती है ना, तब तुम्हें लगता है कि नहीं यार, मेरे को नए तरीके से चीज़ करनी चाहिए और उस तरीके से प्रॉबेबली सक्सेसफुल हो जाएगी। एम्बैरेसमेंट जब भी होते हैं ना तुम्हारे, जब भी तुम कुछ गलतियाँ करते हो, उनसे तुम्हें सीखने को मिलता है। सेम चीज़ तुम्हारे साथ रियल लाइफ में होती है।
रियल लाइफ में जो झटके होते हैं ना सही में झटके लगते हैं। इंटरनेट पे तो एक वर्चुअल रियलिटी होती है भाई। चलो ट्विटर पे अगर तुम्हारा ओपिनियन लोगों ने 8 लोगों ने बेकार बता दिया, तुम नया अकाउंट बनाकर कुछ और ओपिनियन दे सकते हो, तुम्हारा किसी ना किसी तरह से तो वैलिडेट हो जाएगी चीज, पर रियल लाइफ में करना बहुत मुश्किल है। इट रियली अफेक्ट्स यू फ्रॉम इनसाइड। तुम्हें एम्बैरेसमेंट जब तक नहीं होते ना चीजों के, तब तक तुम्हें चीजों की असली अहमियत नहीं पता चलती। जो रियल लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा इंजॉयबल है भाई। कम आउट इन नेचर, मतलब तुम बिस्तर पे ही वीडियो देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो, मैं भाई साहब आधी पहाड़ी चढ़ी है मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, जस्ट टू कम इन टू दिस नेचर। और देखो भाई चिड़िया चहचहा रही है मस्त, एकदम सूरज खिला पड़ा है, मस्त मौसम है। दिस इज वॉट रियलिटी फील्स लाइक, इट्स ब्यूटिफुल आउट देयर। और तुम जो ब्यूटी देख रहे हो ना वो इस रियलिटी में नहीं देख रहे हो, लड़कियों की बूबीज एंड एसेस में देख रहे हो। हाँ भाई कितनी बढ़िया थी, क्या बढ़िया भाई, उसमें जूम इन कर दिया उसे बस फोटोशॉप के थ्रू। सब फेक रियलिटी है भाई। पर्टिकुलर लोगों के हाईलाइट्स उठा के देखते हो और फिर अपनी लाइफ देखते हो कि कितनी डल है। तुम्हारी लाइफ डल नहीं है, वो बस वहाँ पे जो चीज़ डाल रहे हैं ना वो डल चीज़ें नहीं डाल रहे। तुमने क्या कभी देखा है किसी को हंकते हुए फोटो डाल रहा, देखो लाइक आई हैड अ ग्रेट शिट, ऐसा कोई नहीं करता भाई, वियर्ड है ये चीज़, नहीं करता कोई भी। लेकिन लोग वहीं पर बड़े बड़े होटल्स की फोटो डालेंगे, घूमने जा रहे हैं वहाँ की डालेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि एक रियलिटी, फेक रियलिटी क्रिएट कर दिया है इंस्टाग्राम ने तुम्हारे साथ। तुम देखोगे फिल्टर्स वगैरह, फिल्टर्स तो भाई क्या ही है, मतलब लाइक कौन ही यूज़ करता है भाई फिल्टर्स। तुमने लड़कियाँ देखी होंगी कितना फिल्टर लगा के, मतलब एकदम जिनका होता है ना ब्लैक रंग, वो बंदी भाई एकदम सोनी गुरी हो जाती है लिटरल। मैंने इतनी सारी बंदियां देखी हैं फिल्टर्स यूज करते हुए। बिकॉज ऑफ फिल्टर्स दे स्टार्ट हेटिंग देमसेल्व्स। वो बंदियां मतलब लिटरली अंदर से इनसिक्योर हो जाती हैं कि मैं रियल लाइफ में बेकार दिखती हूँ। बेस्ट से बेस्ट फोटो चाट के लोग लगाते हैं इंस्टाग्राम की पोस्ट पे, बेस्ट से बेस्ट। हाँ भाई इसमें जॉ लाइन दिख रही है, इसमें लाइटिंग बढ़िया, इसमें ये बढ़िया, ये वो बढ़िया, ये बढ़िया, अब डालो इसे। इतनी प्रोसेसिंग करके डालते हैं भाई। और डू यू एक्चुअली केयर? इंस्टाग्राम सेलिब्रिटाइज कर देता है तुम्हें। जब भी तुम इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह डालते हो, लाइक्स वाइक्स आते हैं ना, खुशी छूटती है भाई। 8 बंदों के लाइक्स आ गए, हुआ, अरे कमेंट आ गया, लपटों वाला कमेंट आ गया, मजा आ गया भाई। डू दे रियली केयर? तुम कितने लोगों की स्टोरी देखते हो और तुम सही में सोचते हो कि हाँ भाई बहुत मस्त लग रहे हैं, क्या बात है, और नीचे ऐसी टाइप कर देते हो, सेक्सी बॉय, हॉट एंड सेक्सी, ब्रदर, लपटों वाले इमोजी, फायर इमोजी, पता नहीं क्या क्या डाल देते हो। यू डोंट एक्चुअली केयर। सेम तो बाकी लोगों का सीन है भाई, दे डोंट एक्चुअली केयर। तुम जो अपने आप को सेलिब्रिटाइज कर रहे हो ना, यू आर नॉट अ बिग थिंग। ये ईगो बूस्ट करने का फायदा नहीं है, इट्स नेवर गोइंग टू टेक यू एनीवेयर अनलेस तुम इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंसर बन के पैसा कमाओ। लेकिन वो तो हो नहीं रहा, बिकॉज तुम इन्फ्लुएंसर नहीं बन रहे, तुम इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, तुम कंज्यूम कर रहे हो चीज़ें, यू आर डूइंग नथिंग। कम आउट इन नेचर ब्रो, लाइक इतनी मस्त चिड़िया चहचहा रही है भाई, मजा आ गया कसम से, जिंदगी के मजे यही है। अब बस इंस्टाग्राम नहीं है, सोशल मीडिया इन जनरल है भाई, ये सिर्फ तुम्हारा डोपामाइन एकदम बूस्ट करके सप्रेस नहीं करता, ये तुम्हारे एमिग्डाला को, रीजन को सप्रेस करता है, ये तुम्हारे हैबिट सर्किटरी को अफेक्ट करता है। काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं जो कि अफेक्ट हो रही हैं सोशल मीडिया से। एंड उसमें सबसे मेजर चीज़ जो आती है वो आती है कि तुम फोकस लूज कर देते हो। एंड तुम बचपन से देखते आ रहे हो कि तुम्हें बोलते हैं कि भाई फोकस रहो, फोकस करो, इस जगह पर कंसंट्रेट कर, यहाँ से कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए, ये मैथ के 5 सवाल लगा तो लगाने हैं। तुम्हें हर किसी ने बोला है कि फोकस रहो, और तुमने ये भी देखा है कि इंस्टाग्राम से तुम्हारा फोकस टूट रहा है। लेकिन बनाए कैसे फोकस, हमें आता ही नहीं है। हाउ डू आई डेवलप फोकस इनसाइड ऑफ माई सेल्फ, ये क्वेश्चन रहता है। एंड द बेस्ट आंसर टू दिस इज मेडिटेट। मेडिटेशन पर मैंने वीडियो बना रखी है, गो चेक इट आउट, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। और इट्स नॉट जस्ट डोपामाइन, इट एंगेजेस विद योर इमोशंस, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलता है। तुम्हें स्क्रोल करने का मन भी नहीं होता तो, पर तब भी तुम स्क्रोल करते रहते हो, देर इज समथिंग रॉन्ग इन साइड ना। तुम्हें इस चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तुम इस समय अवेयरनेस लैक कर रहे हो, तुम्हारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि तुम हर समय ऑक्यूपाइड रहते हो इसके साथ। तुम हर समय देखते हो अपने आप को इंस्टाग्राम पर स्क्रोल कर रहे होगे, लोगों से बातें कर रहे होगे, तुम्हारे पास खुद के लिए कभी टाइम नहीं बचता, और इसी के कारण तुम्हारी ओवरथिंकिंग हो रही है भाई। रात में इसीलिए नींद नहीं आती, रात में इसीलिए वापस से तुम इंस्टाग्राम स्क्रोल करते हो, और स्क्रोल करते करते सो जाते हो। नहीं तो स्क्रोल नहीं करोगे तो अपने भाई शेरू को पकड़ोगे, भाई बादिया सारी लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी, यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ योर इमोशनल स्टेट्स। तुम्हें पता ही नहीं है भाई तुम्हारे साथ चल क्या रहा है।
तुम डिप्रेस्ड हो और तुम वही डिप्रेसिंग वाली रील्स देखे जा रहे हो, उस चक्कर में तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। ये देख रहे हो 12 इंच का वॉइस है, और डिप्रेसिंग रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, उस चक्कर में और डिप्रेशन आ रहा है। इट्स प्लेइंग विद योर इमोशनल स्टेट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको खेलने नहीं देना है भाई। ये जो कंपनियां है ना, ऑन वन साइड ऑफ स्टोरी तुम देखते हो इंजीनियर्स कितनी मेहनत करते हैं, 50-60 लाख LPA के पैकेजेस क्यों निकाल रहे हैं फैंग में, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, जो भी है, मेटा वगैरह, इन सब में जो भी नौकरियां लग रही हैं 50-50, 60-60 लाख की। देर इज़ वन साइड ऑफ स्टोरी, दैट इज़ वन साइड ऑफ स्टोरी ब्रो। दूसरी साइड पे तुम हो जो कि नहीं यूज़ कर रहे हो, और वो दिन भर दिन यही टेक्नोलॉजी, यही एल्गोरिदम निकाल रहे हैं जिससे कि तुम वहाँ पर टिके रहो, उनका रेवेन्यू बनता रहे, वो और पैसे कमाए, तुम्हें और यूज़ करें, तुम्हें स्लेव बनाते जा रहे हैं। तुमने देखा होगा पहले के ज़माने में जो फ़ोन आया करते थे भाई, बटन कीपैड वाले फ़ोन होते थे, मतलब उन्हें खोलना भी मुश्किल हो जाता था। एक तुम्हें कॉल भी करना हो ना, तुम्हें दबाने पड़ते थे बटन। अब क्या है, फ़ोन खोलना भी नहीं पड़ता भाई, या तो फिंगरप्रिंट हो जाएगा या फिर फेस अनलॉक हो जाएगा। इट्स वेरी ईजी। पहले के टाइम पर तो कम से कम तुम्हें पासवर्ड डालना पड़ता था भाई, अच्छा हाँ चार कीज डालनी है या पैटर्न बनाना है, मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ। अब तो कुछ दिमाग भी नहीं लगा रहा तुम्हें, बस फ़ोन उठाना, खुल गया। इट्स मेकिंग इट मोर ईजियर देन यू एवर थॉट, एंड दिस इज द रीज़न। इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है ना, उतनी ज़्यादा न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, और जब भी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, टेक्निकल टर्म है, तब तुम्हें और आसान होता है वो चीज़ चलाना। मतलब तुम फोन भी किसी और चीज़ के लिए उठाओगे ना, तुम्हारा इंस्टाग्राम अपना खुल जाएगा, रील्स अपना स्क्रॉल रहेंगे। फिर 5 मिनट बाद आता था, अरे मेरे को तो भाई परचून की दुकान पर कॉल लगाना था, गेम मंगवाना था। होता ही नहीं होता, प्लेइंग विद यू ब्रो। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। बस वो बात है कि लोग अनअवेयर हैं और तुम अवेयर हो चुके हो क्योंकि तुमने वीडियो देख लिया, यूट्यूब ने होपफुली तुम्हें वीडियो रिकमेंड कर दी। नाउ अवेयर बनने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि मेडिटेशन करो और चीज़ें ऑब्जर्व करो। पहला स्टेप है टेक्नोलॉजी से दूर होना। मैंने तुम्हें जैसा बताया था कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता था, मैंने क्या करा उससे, डिलीट कर दिया अकाउंट, टेक्नोलॉजी से मैं दूर हो गया। नेचर में आओ, नेचर नहीं है तो बाहर निकलो, लोगों से बात करो, ऑब्जर्व करो चीज़ें। मैं जब चाहता हूँ ना, जब भी मैं ट्रैकिंग वगैरह पर निकलता हूँ तो भाई मैं बस ऑब्ज़र्व करता हूँ कि हाँ भाई कीड़े की आवाज़ है यहाँ से, भाई ये पंछियों की आवाज़ है, नीचे मैं चल रहा हूँ तो मेरे फुटस्टेप की कच कच वाली आवाज़ है, मस्त साउंड आती है एकदम, एंड आई एक्चुअली इन्जॉय इट। बाहर निकलो, तुम्हें भी मज़ा आएगा, कसम से बता रहा हूँ, इट्स गोइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ। डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एज अ ब्रदर, बिग ब्रदर बोल रहा हूँ, एडवाइस ले लो, बहुत काम आने वाली है। एंड अपने आप से आखिर में यही क्वेश्चन पूछो, अगर सोशल मीडिया इन द फर्स्ट प्लेस होता ही नहीं तो तुम इस समय क्या कर रहे होते हैं? एंड उस चीज़ को असली जवाब तुम्हें सोशल मीडिया छोड़कर मिलेगा। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल रहा हूँ मैं जान।